नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप बाजार में अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो, मोटा मुनाफा कमाना चाहते हो, खूब सारा पैसा मतलब एक स्टॉक में आप जनरेट करना चाहते हो, अच्छी रिटर्न प्राप्त करना चाहते हो, तो साहब आपका जो न्यूज का सोर्स है वो सॉलिड होना चाहिए, धमाकेदार होना चाहिए, आपको पहले से ही जो होने वाला है स्टॉक में वो पता होना चाहिए। घबराइए नहीं, कहीं नहीं जाना, कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना, कुछ खर्चा नहीं करना, बस मेरे साथ बने रहिए, इस चैनल के साथ MKMFS के साथ बने रहिए। आपको तरोताजा खबरें रिलेटेड किसी भी स्टॉक से या फिर स्टॉक मार्केट से आपको इस मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको इंडियन बैंक के बारे में बताया था कि भैया इसको खरीद लो, आने वाले समय में इसमें खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। और आप देख ही रहे हो, लगातार एक साथ लगातार खूब सारी खबरें दोस्तों आ ही रही हैं। कंटिन्यूटी में इंडियन बैंक को लेकर अब बुलिश पैटर्न बनता जा रहा है, चाहे वो ब्रोकरेज फर्म हो, चाहे साहब उनके सीएम जो एमडी और सीईओ हैं उनका इंटरव्यू हो, उनके शब्द हो, सब में यही झलकता है कि आने वाले समय में इंडियन बैंक एक शानदार जानदार परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार हो रहा है। और इसीलिए दोस्तों मैंने ये स्टॉक आपको बहुत पहले 2-4 दिन पहले ही 149 के आसपास खरीद करवा दिया था। तो डेफिनेटली दोस्तों, अगर आपके पास सोर्स ऑफ न्यूज बहुत सॉलिड है, स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली आप इस बाजार में अच्छा खासा पैसा कमाओगे। तो अब देखिए साहब, इंडियन बैंक को लेकर मैंने मेरे ख्याल से 1 या 2 वीडियो ऑलरेडी पहले बनाई हैं, आप जाके उन्हें भी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं उनके लिंक लगा दूंगा, पूरी प्रोफाइल और बैंक के बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बैंक की एसेट क्वालिटी, बैंक की साहब लोन बुक, बैंक का कैश और इश्यू, सब कुछ, बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट, सब कुछ आपको मेरी पिछली वीडियो में मिल जाएंगे। यहां तो मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि आने वाले समय में इंडियन बैंक में एक धमाका होना निश्चित है, क्योंकि अब साहब जिस प्रकार का इंटरव्यू में देख रहा था, जो इनके एमडी और सीईओ हैं जैन साहब, उनके शब्दों के अनुसार मुझे लगता है कि अब ये बैंक आने वाले समय में एक शानदार परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार हो रहा है। और अब तो साहब ब्रोकरेज फर्म, जी हाँ दोस्तों, अब बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म ने भी इनके इसके इंडियन बैंक के टारगेट को रिवाइज करना शुरू कर दिया है। जैसे हमारी भारतीय जो सिक्योरिटी है, यस सिक्योरिटी ब्रोकरेज फर्म है, इसने भी साहब इसका जो रेटिंग है वो बाय रेटिंग कर दिया, यानी कि इसके जो टारगेट अब यस सिक्योरिटी ने दिए हैं वो साहब 188 रुपए के आसपास दिए। और जब मैंने इसको आपको 149 पे खरीद दिवाया था, तब मैंने आपसे कहा था कि ये बैंक 180 रुपए के आसपास जाएगा। तो दोस्तों, आने वाले समय में इन फ्यूचर अब बहुत अच्छी और जानदार आपको परफॉर्मेंस देखने की मिलेगी इस इंडियन बैंक में, चाहे वो एसेट क्वालिटी को लेकर हो, बैलेंस शीट को लेकर हो, ग्रोथ को लेकर हो, सब कुछ आपको अच्छा ही अच्छा होता हुआ नजर आएगा। किसमें? इंडियन बैंक में। बहुत सारी 2-3 वीडियो मैंने पहली बना रखी हैं, आप जाके उनको देख लीजिए, पूरी डिटेल वीडियो है इंडियन बैंक को लेकर, सब कुछ मैंने उसमें बता रखा है, सारी डिटेल A to Z इंडियन बैंक के बारे में मैंने उसमें बता रखी है। तो ये सरकारी बैंकों में दोस्तों अब बड़ा कुछ ना कुछ होना वाला है, जरूर होने वाला है। तो इनके कुछ स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में बाय करके रखिए, स्पेशली जो स्टॉक मैंने आपको बता रखे हैं उसमें मैं आज भी आपके लिए कह रहा हूं कि SBI, केनरा बैंक, यूनियन बैंक और साउथ इंडियन बैंक आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए, क्योंकि अब इनके दिन सुधरने वाले हैं। इनके टारगेट दोस्तों ब्रोकरेज फर्म बहुत ऊपर के देने लगे हैं, हर चीज में इसमें ग्रोथ दिखाई दे रही है ब्रोकरेज फर्म को, एसेट क्वालिटी सुधरती हुई दिख रही है, बैंक की लोन बुक बढ़ती हुई दिख रही है, और भी बहुत सारी चीज, कासा रेशियो वगैरह, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, बहुत सारी चीजें दोस्तों अब बैंकों में सुधरती हुई दिख रही है। मेन प्रॉब्लम होती है इनकी एसेट क्वालिटी, वो डेफिनेटली आने वाले समय में सुधरती हुई दिखेगी, और बैड बैंक की स्थापना ही इसीलिए हो रही है ताकि इन बैंकों पे एनपीए का बोझ कम हो सके। तो डेफिनेटली दोस्तों आने वाले समय में इंडियन बैंक एक शानदार जानदार परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार हो रहा है, टारगेट इसके 180 के आसपास मेरे पहले हैं और 149 की इसकी बाइंग है। कहां पर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना है और कैसे इसमें काम करना है, ये समय समय पर मैं आपको व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम चैनल पे बताता रहूंगा, आप वहां भी जुड़िए, वहां पर भी दोस्तों बहुत काम की जानकारी आपको मिलती है, मार्केट रिलेटेड, निफ्टी बैंक निफ्टी की रेंज, डेली इन बेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडिया,
विश्व के बाजारों में, इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है, क्रूड कहां काम कर रहा है, डॉलर कहां पर है, रुपीस कितना है और इंडिया वीक्स क्या है, सब कुछ मैं अपने टेलीग्राम चैनल के मार्केट प्रीव्यू जो सुबह के समय आता है 8:30 बजे के आसपास, उसमें मैं आपको मार्केट खुलने से पहले सब कुछ बता देता हूं, कितनी सटीक रेंज देता हूं ये आप अच्छी तरह जानते हो। तो आगे दीजिए मुझे फाइनली आज का ये वीडियो समाप्त करने की, नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।